ये बात कर रहे हैं हम पूर्व पाषाण काल की। पूर्व पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल भी बोला जाता है। तो एशियन सोसाइटी में देखें तो दोस्तों, हम पूर्व पाषाण काल में मनुष्य को पशु के समान मानते हैं। जब खोपड़ी मिली इंसान की तो उसमें देखा गया कि मनुष्य जो हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमता रहता था। उसको ये भी नहीं पता था कि उसको क्या पहनना है, क्या उड़ना है, क्या खाना है, क्या पीना है, लेकिन भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। जब वो घूमता रहता था तो दोस्तों बड़े बड़े जंगली जानवर भी हमला कर देते थे, लेकिन मनुष्य ने इतना डेवलप कर लिया था कि वो लकड़ी को अपना औजार बनाने लग गया था। जब लकड़ी को अपना औजार उसने बनाया तो धीरे धीरे वो कंदमूल के बीज भी खाने शुरू कर दिए उसने, और वो लकड़ी के सहारे ही किसी भी मारे हुए हिंसक जानवर के द्वारा कोई शिकार उससे अपना पेट भर लेता था। लेकिन ज़्यादातर तो वो कंदमूल के बीज और जड़ी बूटियाँ, बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते, उनके सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करता था दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि पूर्व पाषाण काल में ही मनुष्य का विकास होना शुरू हुआ। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने लकड़ी को तोड़कर उसका औजार बनाना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि मनुष्य की अब बुद्धि का विकास जो है होने लग रहा था दोस्तों, और उसके शरीर में भी, उसकी खोपड़ी में भी पूरा बदलाव होना शुरू हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जब हिंसक जानवर आते तो वो पत्थर को भगाकर मारने लग गया था। सबसे पहला हथियार जो माना जाता है वो इंसान का दोस्तों बटी का आश्रम माना जाता है। बटी का आश्रम सबसे पहला हथियार होता है इंसान का। उसी के सहारे, लकड़ी के सहारे और मारे गए लकड़ी के द्वारा जो जानवर होते थे उसकी हड्डी का इस्तेमाल करना मनुष्य ने शुरू किया। पहले इस प्रकार का खोपड़ी होता था, देख सकते हो आप। इस प्रकार की खोपड़ी को फिर जो है कई स्टेज में इंसान माना जाता है दोस्तों। हम होमो सेपियंस की बात करें, होमो इरेक्टर्स की बात करें, तो एप्स की बात करें, तो जो होमो इरेक्टर्स थे दोस्तों, उसमें मनुष्य की तरह जो शरीर था उसकी खोपड़ी थी वो डेवलप होनी शुरू हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने पत्थर को छील कर उसके औजार बनाना शुरू कर दिया था। पत्थर के औजार से उसने लकड़ी पर पत्थर बांधकर शिकार करना शुरू किया। धीरे धीरे वो जंगल में भागकर हिंसक जानवरों से बच जाता था, लेकिन कभी कभी हिंसक जानवर का वो शिकार करने के लिए जो है लकड़ी के सहारे उनके पीछे लग जाता था दोस्तों। वो काफ़ी फुर्तीला होने के कारण वो कभी कभी हिंसक जानवर जैसे मैमल्स होते थे बड़े, उनका वो शिकार आसानी से कर लेता था। जब धीरे धीरे उसने झुंड में रहना शुरू किया तो वो और भी ज़्यादा शिकार करने लग गया था। महिलाएं जो थी वो पहले पुरुष के साथ शिकार करने के लिए जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि जब हिंसक जानवर पीछे लगने लग गए, मारने लग गए, तो इंसान मारा जाता था, ज़्यादा शिकार हो जाता था, बड़े बड़े भालू होते थे।